हाय एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। मैं नीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल जूस रेसिपी, जिसे पीने से हम अपने शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है? अनियमित खान पान, ऑयली फूड, जंक फूड या नींद का सही तरीके से ना लेना, मोटापे का बढ़ना, इन सभी बीमारियों की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां होने लगती हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक। तो इन सब से बचने के लिए ये जूस बेहद लाभकारी है। इसे बनाना बेहद आसान है और ये जूस रेसिपी पसंद आए ना तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस जूस को बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये हरा सेब, जिसे हम गोल्डन एप्पल भी बोलते हैं। इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, पोटेशियम जैसे ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ में इम्यूनिटी तो बूस्ट करते ही करते हैं। आँखों के लिए भी हरा सेब काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर देखिए हरा धनिया लिया है। हरा धनिया में भी मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और कैरोटीन जैसे ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। साथ में नेचुरल तरीके से ना वेट लॉस भी करता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पुदीना लिया है। पुदीना सभी को पता है कि रिफ्रेशिंग के साथ साथ में इसमें और भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। पुदीना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अधिक मात्रा में विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, बीटा कैरोटीन जैसे ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे ही तत्व जो हैं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं। इसी वजह से ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है ज़रूरी इंग्रेडिएंट, वो है ये अदरक। अदरक जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और ये जोड़ों और गठिया दर्द के लिए तो फायदेमंद होता ही होता है। साथ में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, बैड बैक्टीरिया को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो और ये लेमन है, ये विटामिन सी से भरपूर लेमन है, ये भी हमारे शरीर की जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करने में मदद करता है और एक रिफ्रेशिंग टेस्ट भी देता है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं और अब इन्हीं को मिला करके हम ये जूस तैयार करने वाले हैं। सेब को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं ब्लेंड करने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा ये सेब के टुकड़े ब्लेंडिंग जार में, उसके बाद हरा धनिया। हरा धनिया लगभग 1 कप के आसपास लिया है और ये हरा पुदीना, ये भी मैंने लगभग 1 कप के आसपास लिया है और जो सेब था वो मीडियम साइज का था। और यहाँ पर अगर ज़्यादा अदरक नहीं खाना चाहते तो 2 टुकड़े भी मिला सकते हैं, तो मैं यहाँ 2 ही टुकड़े ले रही हूँ। अब इसमें जो लेमन है ये हम बाद में मिलाएंगे और अब इसमें हम पानी मिलाने वाले हैं। तो लगभग 1/2 कप इसमें पानी ले लिया है और अब इसको मैं ब्लेंड करने वाली हूँ। आप इसमें पिंक सॉल्ट मिला करके भी इसे पी सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट ऐसे ही बढ़िया लगे। मुझे तो ऐसे ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ऐसे ही ठीक लगे तो ऐसे ही डायरेक्ट पी सकते हैं, अदरवाइज पिंक सॉल्ट मिलाना हो तो मिला सकते हैं, मैं नहीं मिला रही हूँ। और इसका जो ये बचा हुआ फाइबर है इसे हम दही में मिक्स करके रायता बना सकते हैं। रायते का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा, रिफ्रेशिंग भी आ जाएगी और इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा बचे हुए फाइबर का। तो इस तरीके से आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। और ये जूस अगर आप डेली नहीं बनाना चाहते हैं तो एक बार बना करके आप इसे 3 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फ्रेश जूस बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन डेली डेली उतना टाइम अगर नहीं है आपके पास तो आप इसे एक बार बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख लिए टाइट बॉटल में, और डेली आप इसे आधा कप के आसपास पी सकते हैं। ये बेहद फ़ायदेमंद है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, नेचुरल तरीके से ये काम करता है। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी तो बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।